देखो रॉय की फिल्म्स तो मैं बहुत पहले से देखता हूँ, सत्यजीत रे तो सत्यजीत रे ही है ना, सारा बंगाल क्या तो सारा दुनिया में हलचल मचा के रखा। जब भी उनका फिल्म रिलीज होता था हम जाते थे, क्यों? क्योंकि उसके फिल्म में जो मिलता था, उनके फिल्म में जो मिलता था वो बाकी फिल्मों में नहीं मिलता है, तो एक उम्मीद लेके हम जाते थे देखने के लिए और हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता था। फिल्म तो मैं जैसे गुप्पी गैन बाघा बाइन अगर आप मेरे को पूछो 50 बार शायद मैं देख चुका हूँ, आप इसकी बारे में पूछो सुनार केल्ला पूछो कम से कम 25 बार देखा हूँ। फिल्म तो उनका मैं एक ही फिल्म मैं बहुत चारुलता भी देखा हूँ मैं, लेकिन चारुलता उतना नहीं देखा मैंने। चारुलता मैं हार्डली 6-7 बार देखा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में मैं कुछ भी हूँ नहीं, लेकिन मेरे नज़र में सत्यजीत रे के आगे 100% जिस फिल्म में है सत्यजीत रे का, वो है गोपी गाइन बाघा बाइन। क्यों? गोपी गाइन बाघा बाइन में जो स्टोरी था वो उपेंद्र किशन रॉय ने लिखे थे, उनके दादा ने, वो था छोटा सा एक बच्चों के लिए स्टोरी, फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाने के उसमें दम नहीं था। पहला तो उन्होंने उनको किया, सेकेंडली स्क्रिप्ट भी उनका ही है, डायरेक्शन ऑब्वियसली है, फिर उसकी म्यूजिक वो भी है, और स्पेशली इसलिए मैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गया हूँ उसी फिल्म में, क्योंकि स्टोरी जो है इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, क्योंकि भूत के ऊपर बात चल रहा है। अब भूत का फॉर्म क्या होगा अगर मैं दिखाने जाऊँ, कोई भूत पेंट करने जाऊँ तो क्या करूँ भूत को लेके, जो मैं दिखा ही नहीं, सारा उल्टा सीधा भूत की वो आता है इमेज। तो भूत की जो डांस दिखाए थे उन्होंने नेगेटिव व्यूज करके फिल्म में नेगेटिव दिखाए थे, और उसमें म्यूजिक और टोटल उसका जो इम्पैक्ट है जब तक वो भूत नाचते रहते हैं, 4 या 5 डिफरेंट स्ट्रिप्स ऑफ होस्ट डांसिंग, तो वो करना मेरे ख्याल से चारुलता से भी डिफिकल्ट है, क्योंकि चारुलता आपके सामने कुछ है, चारुलता रियल लाइफ में आज भी होता है, आज भी चारुलता की कंटिन्यूटी कोई ना कोई फैमिली आपको मिल जाएगा, लेकिन भूत कहाँ से है? और वो अजीब सा एक स्टोरी को लेके जिसका कोई मतलब रियलिटी से इतना दूर हटके फिल्म बनाना आसान नहीं है, इसलिए क्योंकि कैमरा से जो फिल्म बनता है वो ढूंढता है रियलिटी। मोस्टली जो अच्छे फिल्म आप देखते हो ना, रियलिटी के जितना नज़दीक जाते हैं उतने आपको इम्प्रेस करता है वो, कि पान की एक कोई जलसागर में जो जमींदार था, जो जमींदार को उन्होंने ऐसा एस्टेब्लिश किया आपको लगेगा नहीं छवि विश्वास है, वो लगता है कोई जमींदारी है, तो वो ही हम ढूंढते हैं कि पान वाला का कैरेक्टर कर रहा है वो ऐसे थूकेगा लगेगा पान वाला ही है, तो रियलिटी की सबसे नज़दीक हम जाने की कोशिश करते हैं, और वो फिल्म रिवर्स था। इसमें चूंकि चैलेंज आपका बेहतर कहने का मतलब ये है कि चैलेंज ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग। आप कभी भी मौका मिले ना सिर्फ वो पार्ट देखना जहाँ जब तक भूत डांस कर रहे हैं, उनकी ड्रेसेस भी उनका है, आपको देख के ही पता चलेगा, कोई डिजाइनर वो सोच ही नहीं सकता भूत का ड्रेस, वो जो एक एक सेट ऑफ घोस्ट्स बनाए ना, सारा उसका कपड़े से लेके उनके जूते से लेके क्या वो कैरी करेगा, वो सिर्फ सत्यजीत रे ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आपने कभी रॉय से मुलाकात की? मेरे साथ 2 बार उनका मुलाकात हुआ था, बातचीत हुआ था, लेकिन जिस मकसद पे मैं गया था वो हुआ नहीं, मैं इलास्ट्रेशन के लिए जगह ढूंढ रहा था एक टाइम पे, तो उन्होंने यही बोला कि वाटर कलर तो अच्छा आपका है जो भी है, लेकिन हम तो इलास्ट्रेटर ढूंढ रहे हैं, और नसीब मेरा ऐसा था कि 5 साल मैंने इलास्ट्रेशन ही किया दिल्ली में। आपने वाटर कलर दिखाए थे उनको? हाँ, वाटर कलर्स ले गए, उस जमाने में इलास्ट्रेशन तो मैं करता नहीं था, तो मैं वाटर कलर लेके गए थे दिखाने के लिए कि अगर वो दिखा दे कि उनको पसंद आए तो कोई काम दे। उनका एक मैगजीन था संदेश, संदेश के लिए मैं गया था, तो मुझे काम नहीं मिला, लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिन आदमी के अंदर एक गुण सिंगल एक हाइट तक पहुंचता है
वो भगवान की देन उनके अंदर नहीं हो तो पॉसिबल नहीं है।